আমি দেবিকা আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি Rani Mukerji ke liye haath chhutne tak taaliyan. Oh my God! Uff ki phata phati. Pehli baar Indian Idol ke manch par the Queen herself. Inki badi badi aankhein dekhkar main khud ga raha hoon. Aankhon se tune ye kya keh diya? Dil ye deewana dhadakne laga. Gentlemen and gentlemen, please welcome Rani Mukerji. Inviting me. ये जो मंच है बहुत ही स्पेशल मंच है क्योंकि यहाँ पे जो सुर लगते हैं वो आगे चलकर हमारे हिंदुस्तान का सुर होता है ये और मैं इस मंच को नतमस्तक नमस्ते करती हूँ मैम हम सब जानते हैं कि आप एक बंगाल टाइग्रेस हैं लेकिन इस बार तो आप एक पूरे देश से लड़ पड़ी यानी नॉर्वे से जी क्या है कि अगर एक माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाते हैं तो वो कोई भी देश क्यों ना हो वो किसी से भी लड़ जाएगी है ना क्या बात है और इस फिल्म में एक माँ का किरदार निभा रही हूँ जो अपने बच्चों के लिए मतलब जी जान लड़ जाती है आप सब देखिए पिक्चर जिन्होंने अब तक नहीं देखी है बिल्कुल मैम और इनफैक्ट मैंने वादा किया है इंडियन आइडल की पूरी टीम से कि आज रात हम आखिरी शो सिनेमाज में देखेंगे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस फिल्म के लिए जो ऑलरेडी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में पहुंच चुकी है और इससे ढेर सारा प्यार मिल रहा है थैंक यू हमारे इन टॉप सेवन के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम टॉप सेवन को मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लाई हूँ आप देखना चाहेंगे हो जाए ये ट्रॉफी के लिए आपने सबने इतने हफ्तों से मेहनत की है मैं प्रे करती हूँ कि द बेस्ट गर्ल और बॉय विंस इट अच्छा हुआ मैम आपने गर्ल का जिक्र किया क्योंकि यहाँ पर एक तो लड़कियों का पलड़ा पूरी तरह से भारी है और ऊपर से आपको ये जानकर बहुत खुशी हो गई कि ये चारों जो है हमारे वेस्ट बंगाल के प्रांत से हैं आज इतना सारा बंगाल बंगाल होने वाला है सोने पे सुहागा क्या बात है शायद इसी वजह से मैं 13 साल के बाद पहली बार इंडियन आइडल में इसलिए आई हूँ क्योंकि 4 बंगालीज दे आर हेडलाइनिंग इट पर जोरदार तालियां हो जाए फॉर द रानी मुखर्जी चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को देवोश्मिता रॉय देवस्मिता मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ में एक गुरु मंत्र रहा है जो मैं तुम में देखती हूँ मैंने बचपन से ही मम्मी पापा को मेरे क्लोज टू भगवान ही मतलब समझा है क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है मुझे जितना सक्सेस मिला है सिर्फ मेरे बाबा माँ के आशीर्वाद के लिए मिला है तो मैं ये समझती हूँ कि आपके लाइफ में भी जो सक्सेस आपको मिलेगा मैं ये देख सकती हूँ कि आपके मम्मी पापा के लिए ही आपको सक्सेस मिलेगा हाँ मैम और मैं चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा मेरे साथ इधर आके बैठे और आपका गाना सुने ऐशो एखाने ऐशो थैंक यू सो मच मैम इतना इज्जत देने के लिए पापा मम्मी को थैंक यू सो मच प्लीज एखाने ऐशे हमी प्रार्थना करछी आपनार मेये अनेक आरो बड़ो होक
और अनेक भालो गायक हो। देवस्मिता तुम्ही खूब तारातरी पूरो पृथ्वी के तुम्ही रूल करोगे गाने चलो। रानी जी, आपको हमारी सुपरस्टार देवोश्विता कैसी लगी? अभी इंडिया की सुपरस्टार हो गई है। वाह! इतना अच्छा उसका वॉइस है, एकदम जैसे कि मतलब शी इज प्लेबैक रेडी। व्हाट यू से हिमेश? एब्सोल्युटली। जो वो आशा जी का गाना हो, लता जी का गाना हो, अलका जी का गाना हो या कोई भी कंटेम्प्रेरी गाना हो, हर गाने को अलग तरीके से गाती है और जितने सुरों पे इसकी जो पकड़ है ना, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। And very sweet voice. Very, very sweet voice. Absolutely. Very sweet. We Bengalis have a lot of talent, right? Yes. मेरे लिए तुम winner always. मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक सोनाक्षी और एक तुम straight winners हो. Outstanding. Thank you.
देवोश्मिता के मम्मी पापा, आज आप गेस्ट ऑफ ऑनर के पास खड़े हैं, तो आपसे भी पूछना पड़ेगा, आपको कैसी लगी देवोश्मिता की परफॉर्मेंस? मैं तो सोचा था नहीं तो मेरा बेटी इतने इतना बड़ा जैसे को सामने गान गाती है, मैंने अच्छा बोला, मैं बहुत प्राउड हुआ। हाँ हाँ, मैंने थैंक यू इंडियन आइडल, थैंक यू थैंक यू। देवोश्मिता, तुमने मौसम बदल दिया। थैंक यू देवोश्मिता, बहुत ही खुश। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट, इस डेकेड की सर्टिफाइड सिंगर, सबसे खास सर्वगुण संपन्न शेजूती दास। गुलाम का गाना शुरू हुआ, मैं फ्लैशबैक में चली गई थी, क्योंकि जिस टाइम मैंने गुलाम पिक्चर में काम किया था मैं सिर्फ 17 साल की थी। वाओ। और आमिर खान जो इंडिया के इतने बड़े स्टार है वो मेरे ऑपोजिट थे, और मुझे याद है कि हम मनाली में शूटिंग कर रहे थे इस गाने की, और आमिर को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, और मैंने उस वक्त एक ऐसे कलाकार का डेडिकेशन देखा था जो बुखार के साथ भी उन्होंने शूटिंग नहीं छोड़ी, तो मेरे लिए एज अ न्यू कमर बहुत ही एक एडमिरेबल क्वालिटी थी मेरे को स्टार में, और उनके नक्शे कदम पे आगे मैं चलने लगी। संजुति ने लुकिंग लाइक टीना फ्रॉम कुछ कुछ होता है। ये देख के मेरी वापस याददाश्त ताज़ी हो गई, क्योंकि मैं एकदम 12th के बाद मैंने कुछ कुछ होता है गुलाम साथ में मैं शूटिंग कर रही थी, दोनों ही सुपरस्टार्स, एक तरफ शाहरुख खान एक तरफ आमिर खान, और मैं थोड़ी सी शाय थी बहुत, मैंने कभी भी शॉर्ट स्कर्ट कभी नहीं पहना हुआ था, आपका जो स्कर्ट का लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू माइन, उस टाइम पर जो करण ने मुझे पहना दिया था इतना छोटा स्कर्ट, और मैं तो मतलब इतना नर्वस कि मैं क्या बोलूं,
बहुत ही मैंने मतलब लाइफ में मैंने मिनी स्कर्ट नहीं पहना था और मेरा पहला शूटिंग कोई मिल गया का गाना था और ऐसे ही एक मंच था मतलब हाई प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे जाके मतलब परफॉर्म करना था डांस करना था और जितने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे सब खड़े हुए थे ऐसे नीचे और ऐसे करके देख रहे थे ऊपर और मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी छोटा स्कर्ट पहन के मैंने कभी पहना हुआ नहीं था मिनी स्कर्ट तो मैंने बोला बस श्री गणेशाय नमः बोलो बोलो दुर्गा माई की बोल के सर में मैं उतर पड़ी मैदान में और करण एंड मनीष नाउ ऑल्सो जब हम बात करते हैं वो लंबा इतना बड़ा स्कर्ट था मतलब घुटने तक और फिर वो ऊपर 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 आते आते इतना छोटा हो गया कि जो कैमरामैन थे कुछ कुछ होता है कि जब वो लेके गए उनके पास दिखाने के लिए कपड़ा कि आज ये कपड़ा शूट होने वाला है तो ही थॉट कि वो सना बच्ची की मतलब कपड़े हैं बोले कि ये वो बच्चे का कपड़ा नहीं नहीं ये रानी पहनने वाली है तो इतने छोटे थे कपड़े सोचिए तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को जो रानी को भी लगते हैं पूरी दुनिया में सबसे डिलिशियस सबसे यम वर्ल्ड्स हॉटेस्ट हंक अलाइव कूल डूड सेक्सी शिवम टीना मैम जैसे ही मुझे पता चला कि आज आप आ रहे हैं मैंने अपने घर से एक छोटी सी चीज मंगवाई थी आपके लिए क्या मैं वो आपको दे सकता हूँ जी प्लीज आपका जैकेट भी बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच मैम ओहो मींस अ लॉट ओहो फ्रेंडशिप बैंड टीना मैम ये खास आपके लिए लेकिन पहली बार तो मिले हैं दोस्ती तो दूर की बात है मैम ये शायद आपके लिए हम लोग पहली बार मिल रहे हैं लेकिन मेरे लिए तो मुझे लगता है कि आप मैं आपको सालों से जानता हूँ ठीक है तो मैं आपको बांधूंगी ओनली फॉर श्योर शिवम मुझसे दोस्ती करोगे शिवम के लिए जोरदार तालियां थैंक यू सो मच मैम Mm-hmm.
कह सकती हूँ कि दिस इज द बेस्ट इंडियन आइडल एंड बेस्ट इंडियन आइडल द टैलेंट इन दिस इंडियन आइडल आई थिंक इज एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल टू गुड. क्या बात है यार, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमारे सारे बच्चों को. एक बार हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इतना अच्छा गाते हैं. शिवम, तुमने मौसम बदल दिया. रानी मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. बताइए. आज मैं भी थोड़ा सा राहुल बना हूँ. बट मैम, आप ब्लैक साड़ी में और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं. आज मैंने खास गाना तैयार किया है मैम के लिए. और मैम, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसमें मेरा साथ दें. तो आप साथ देंगे? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी. क्या बात है. वाह, क्या अलग अंदाज. राहुल से सीधा सिद्धू. क्या बोलती तू. क्या मैं बोलूं. सुन सुना अति क्या खंडाला. क्या करूं आगे मैं खंडाला. अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. आप शिवम, अरे रानी जी ने कर दिया तो आपको तो करना ही पड़ेगा. क्या बात है. वाह, रानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऐसे ही हमको बंगाल टाइग्रेस नहीं कहते हैं, समझे. चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट पे. 2 अप्रैल को होने वाले ड्रीम फिनाले में जिनके लिए अयोध्या से आएगा वो, जिनके लिए लड़कियां ही नहीं बंदरिया भी सजती सवरती विदिता चक्र बोती. चुप चुप के
चुप चुप के चोरी से चोरी चुप चुप के चुप चुप के रे चुप चुप के चोरी से चोरी चुप चुप के चुप चुप के रे क्या बात है दिलता, बहुत अच्छी है। जो आपने गाना गाया चुप चुप के, वो मेरी एक बहुत ही प्यारी फिल्म है बंटी और बबली, जिसका आपने कॉस्ट्यूम पहना है, बहुत ही मतलब प्यारा कॉस्ट्यूम है। मुझे बहुत मज़ा आया था ये कॉस्ट्यूम पहनते वक्त, और जो स्क्रंची आपने पहना है हाथ में, तो मुझे बंटी बबली के दिन याद आ गए। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली मैंने इतने अलग तरीके के फिल्में भी की हैं, लेकिन मेरा सबसे प्यारा जॉनर है रोमांस, और सबसे ज़्यादा रोमांस करने को मुझे जो अच्छा लगता है, माई हीरो जिसके साथ रोमांस करना बहुत अच्छा लगता है, वन एंड ओनली शाहरुख खान। क्या बात है। तो शाहरुख के साथ जो आपने पहला जो गाना गाया तुम ही देखो ना, वो मेरे करियर का मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है। हमने न्यूयॉर्क में शूटिंग की थी इसकी, कभी अलविदा ना कहना। न्यूयॉर्क में इतनी ठंड थी, तो जब हम बारिश के मौसम को डिपिक्ट करना चाहते थे गाने में, तो जब उन्होंने रेन मशीन ऑन किया तो वो रेन बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि इतनी ठंड थी, दैट वॉज टर्निंग इन टू आइस। तो वो पोर्शन हम रेन में शूट कर ही नहीं पाए, क्योंकि इतनी ठंड थी न्यूयॉर्क में कि हम रेन डिपिक्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शाहरुख थे साथ में, तो उनके साथ ठंड में रोमांस करने का मज़ा ही कुछ और था। तो इसीलिए बहुत मज़ा आया उस गाने में, मुझे आपने रोमांस याद दिला दिया, सो थैंक यू वेरी मच। और विदिप्ता, मुझे सुनने को आया है कि जो भी यहाँ इस मंच पे आता है आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है कि आपको फिल्मों में आना चाहिए, लेकिन फिल्मों में आना इतना आसान नहीं है, आपको टैलेंट भी होना चाहिए। आप में गाने का टैलेंट ज़रूर है, लेकिन क्या आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप में वो टैलेंट है? मैम थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं। कोशिश कर लेती है तो ठीक है, आप कोई सीन कीजिए मेरी फिल्म का। कौन सा मैम? आज अगर मैं आई हूँ तो आप एक टीना का एक सीन कीजिए। क्या बात है, अरे
आपको याद है वो सीन जब मैं कॉलेज कैंपस में जाती हूँ और शाहरुख और उसके दोस्त मुझे बोलते हैं ओम जय जगदीश गाने के लिए? जरूर जरूर मैम, हो जाए। गाना गाना है ओम जय जगदीश, अरे फिर कहना है कि लंदन में रहने से, वहाँ पढ़ने लिखने से मैं अपने संस्कार नहीं भूली, और ये तुम मत भूलना, और ऐसे चुटकी करना है, है? तू नहीं करेगा, ये टीना करेगी, ये 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 और ये याद रखना करके, निकल जाना बेटा, ओके चलो आ जाओ। क्या बात, लंदन में रहने से, बाहर पढ़ने से मैं अपनी संस्कार नहीं भूली, और ये बात तुम मत भूलना। रानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विदिता आप कितनी लकी हैं, आप स्वयं रानी जी से एक्टिंग सीख रही हैं। ऐसा लगता है कि ये ट्रॉफी तुमने ठान लिया है कि तुम लेके जाओगी, जिस तरह से तुमने आज परफॉर्म किया। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें ये ट्रॉफी मिले, बिकॉज हम चाहते हैं कि इंडियन आइडल इस टाइम को एक लड़की जीते, और डेफिनेटली विदिता तुमने मौसम बदल दिया। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, देश का दुलारा ऋषि सिंह। छेड़ दूँ
मुझको क्या हुआ है ऋषि, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी बहुत बुलंद आवाज है। मुझको क्या हुआ है? जब आप गा रहे थे, there's a lot of power in your voice. तो जब आप स्टेज पे रहते हैं, मतलब आप तहलका मचाते हैं, तहलका। Thank you so much, man. और मैं समझती हूँ कि जो भूमि से आप है, जो अयोध्या की भूमि से है, आई थिंक वहाँ का पानी, वहाँ का जो भी खाना है, उसमें कुछ पावर होता होगा जरूरी। क्या बात है, वाह। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं बहुत जल्द आपको यशराज के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डेफिनेटली देखने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लेजर प्लेजर मैम, थैंक यू। और जब मैं अयोध्या आऊंगी जरूर, और तब मैं आपसे मिले बगैर अयोध्या छोड़ूंगी। अरे मैम, प्लीज 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 मैम, मैं चाहूंगा कि आप आओ। मौसम बदल रहा है, थैंक यू ऋषि। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को। भगवान भी जिनसे कहते हैं सोनाक्षी थोड़ा कम कर, सोनाक्षी कर। से दिल भरना
रानी जी ने, एचआर ने और मेरे पीवीपी ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सोनाक्षी के लिए। बहुत अच्छे सोनाक्षी, आई हैव बिकम योर फैन। वाओ, हम यहाँ पर ऑलवेज रानी जी सोनाक्षी के लिए यही कहते हैं कि उसके इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेज होते हैं कि उसने एक्चुअली ये कप जीते या ना जीते, तुम इंडियन आइडल जीत चुकी है। ये इंडियन आइडल मेरे ख्याल से जीतने ही वाली है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो रेंज मैंने आज सुना है, ब्यूटीफुल, मतलब शी वॉज फ्लॉलेस। लाइक चुपके से जब मैं सुन रही थी, मुझे लगा मैं एक्चुअली लिसनिंग टू द टेप। वाओ, हाउ ब्यूटीफुली आपने गाया है। आई लव योर वॉइस, एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू, स्टनिंग, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड आदमी हूँ और ये चारों बंगाली मिलिए आमा के तो पागल कोरे दिए छे। आमी पूछते पारसी ना कि बेटर, मतलब टोटली कंफ्यूज। सोनाक्षी तुमने इतना अच्छा गाया कि तुमने मौसम बदल दिया। हमारे उदित जी जिन्होंने टाइटल ट्रैक गाया है कुछ कुछ होता है का, एंड क्या म्यूजिक था जतिन ललित जी का, क्या फिल्म और क्या गाने, और हमारा फेवरेट गाना उदित जी, उदित जी रानी जी भी इधर है तो हो जाए, हो जाए, हो जाए।
तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या वाह सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। आइए पापा। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। लेकिन है निगाहें और बिखरे हैं बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊँ यारो, बताओ यारो, मैं तो हिल गया, तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया, मिल ही गया। मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। काली नागिन के जैसी सुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी सुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। जो तुझको मन मेरा जोले, मन में बसी है तू हौले हौले। क्या बात है। वो देखिए सिंगर तो करोड़ों अच्छे हैं, मैं भी अभी तक लगा हुआ हूँ। आप भी अभी तक लगे हुए हैं। छोड़ूंगा नहीं जब तक जीऊंगा। हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, कयामत से कयामत। क्या बात है। मैम एक चीज मैं पूछना चाहती थी, मैं आप मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैंने पढ़ा कि आप 16 साल की उम्र से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब इतना जल्दी आपने क्यों काम करना स्टार्ट किया? क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बेटी थी मेरी मम्मी की, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आपको एक मौका है फिल्मों में ये काम करने का, तो आप कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये मौका मिलता नहीं है। और जब
अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आई है तो आपको मना नहीं करना चाहिए और आपको करना चाहिए. और मैंने मम्मी की बात सुनी और मैंने पहली पिक्चर मेरी की राजे की आएगी बारात. और तभी मेरे घर के शायद हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उस छोटी उम्र में मुझे वो सब इतना पता नहीं था क्योंकि हम बहुत मतलब प्रोटेक्टेड रहते थे. तो मुझे पता नहीं था कि मेरे फिल्मों में आने का एक और रीज़न ये है कि शायद हमारी आर्थिक जो सिचुएशन है वो मतलब बेटर हो जाए. और ऊपर वाले की देन है कि पहली पिक्चर के बाद मुझे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और पिक्चरें आती गई और मैं करती गई. बस रानी जी, करण जौहर जी जब हमारे शो पे आए थे तो उन्होंने कोई मिल गया के पीछे एक बहुत कमाल की कहानी हमें बताई थी. इनफैक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ करण सर ने क्या कहा था. तो पहली बार हमने ये सिग्नेचर स्टेप किया था, शाहरुख काजल और रानी व्हाइट शॉट लगाया था कि वो कुछ कोई मिल गया वो वाला हमने कर लिया. कट 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 हो गया और काजल ने मुड़ के रानी से कहा, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रही हो तुम. दूर से फारा खान की आवाज, शी इज द ओनली पर्सन डूइंग इट राइट, यू आर ऑल डूइंग रबिश. बहुत सारी मेमोरीज है. कुछ कुछ होता है कि तब मतलब जिस तरह से हम शूटिंग करते थे, हम सब एक फैमिली हुआ करते थे सचमुच में, मतलब सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं. क्योंकि आज भी मतलब 25 साल बाद 27 साल बाद मैं इतना गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जो दोस्तियाँ जो मैंने कमाई है उस फिल्म से वो आज तक है. मतलब 3 बजे सुबह भी अगर मैंने शाहरुख को फ़ोन कर दिया या करण को फ़ोन कर दिया कि मुझे ज़रूरत है, वो लोग खड़े हो जाएंगे. आई कैन ओनली बी थैंकफुल कि मेरे करियर के बिगनिंग में मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिसके वजह से मेरा जो काम है वो भी मतलब उभर के आया. थैंक यू. थैंक यू. चलिए बुलाते हैं अगली जोड़ी, ऋषि सिंह और विदिप्ता चक्रवर्ती. तन्हाइयों में मिले इस तरह बारिश
जजेस एंड ऑडियंस, मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था। रानी जी, मेरा आपके लिए एक सवाल था। ये जो फिल्म है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोबे, इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे गाने भी हैं इसके। जी, और मैं चाहती हूँ कि संजुती प्लीज कम, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म का जो गाना है आमी जानी ना, जो पहली बार हम ये लॉन्च करेंगे, मैं चाहती हूँ कि संजुती ये गाना गाए। ओह वाओ, मेरी फिल्म से। You have a great career ahead. Thank you so much, ma'am. बहुत बड़ी बात है आपसे, बहुत बड़ी बात है। Thank you. Thank you, Shishu. रानी जी, आप यहाँ आई हैं और जाहिर सी बात है आज आपको बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। एक ऐसा ही सरप्राइज हमारी सोनाक्षी ने भी प्लान किया है। नाइस सरप्राइज, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोबे का ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना है और आपकी आवाज में कितना जच रहा था, है ना रानी जी? बस एकदम शुभो शुभो ही लगा। हमारे बंगाली में हम शुभो को ऐसे बोलते कि ऑस्पिशियस, तो हर नई शुरुआत में हम हमेशा ये बोलते कि वो सब शुभ रहे, अच्छा रहे। तो मैं यही कहती हूँ कि ये मेरा पहला शुभो शुभो है इंडियन आइडल के साथ। पहली बार मैं इंडियन आइडल में आई हूँ, तो आई एम होपिंग कि मेरा आना मेरे चारों दुर्गा जो है इस मंच पे, इनके लिए बहुत स्पेशियस हो और इनमें से एक जन ट्रॉफी लेके जाए। क्या बात है, वाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।